वालेकुम, केड़ो हाल है, नमस्ते, सत श्री अकाल। एज द नेम मेंशनड, आज हम लोग बताने वाले कैसे लेफ्ट ओवर चिकन ग्रेवी से हम बना सकते हैं इंस्टेंट बिरयानी। तो इसके लिए मैं बताऊंगी कि क्या क्या लगेगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये चिकन जो हमने बनाया था महाराष्ट्र स्टाइल में था, तो ये इतना अच्छा बना था गाइज। हम लोग अलहमदुलिल्लाह से 2 दिन तक खाए थे, पर फिर सोचा कि अरे यार बहुत हो गई चिकन, और चिकन भी कम दिख रही है, तो फिर इसके लिए मैंने सोचा कि इंस्टेंट जितना भी अभी खा सकते हो उसकी बिरयानी। तो कैसे बनाते हैं वो अभी बताती हूँ। हाँ बेटा, वो चिकन महाराष्ट्रन जो ग्रेवी बनाए थे तो वो कैसी बनी थी? बहुत अच्छी बनी थी, और जो भी इंसान चिकन ग्रेवी है महाराष्ट्रन बना के खाए तो उसका दिल खुश हो जाएगा। हाँ, और अगर हम लोगों को कोई रेसिपी जानना चाहेगा तो उसके लिए क्या करना है? लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब, है ना? हाँ सही है। और अगर वही चिकन ग्रेवी जो बहुत अच्छी बनी थी अगर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा अम्मी जी? 5,000 सब्सक्राइबर चाहिए तो ही हम लोग वो ग्रेवी का रेसिपी बना के डाल सकते हैं ना। जरूर। कैसी बनी थी? एकदम बहुत अच्छी बनी थी, है ना? बहुत अच्छी बनी थी, एकदम फर्स्ट क्लास बनी थी, इतनी अच्छी बनी थी। हम लोग आ गए अभी। ये जो लेफ्ट ओवर चिकन की ग्रेवी है उससे हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसको इंस्टेंट बिरयानी में, इसके लिए मुझे चाहिए वो जो लेफ्ट ओवर चिकन ग्रेवी। मैंने एक भगोने में हमने राइस भिगाया है और थोड़े फ्रेंच बीन्स, मैंने दो, अम्मी जी ने दो अंडे उबाल लिए हैं। ओके, उबाल के लेना है। ये टमाटो है 1, और ये 2 बड़े बड़े पटेटोस, ये भी उबाल लिए हैं। लेना गाइस, हमने ये जो फ्रेंच बीन और जो राइस है हम लोग को जो बनाना था वो मैंने बनने रख दिए हैं, तो बिस्मिल्लाह बोल के मैंने चढ़ा दिया है। और इसको पूरी तरीके से बनने दो, कच्चा पक्का मत रखना। और इसमें चाहिए तो सिर्फ 1/4 स्पून सॉल्ट डाल सकते हैं। ये तो डाल चुके हैं 1/4 स्पून नमक, और इसमें सिर्फ थोड़ी सी हल्दी जाएगी, बस। राइस ऑलमोस्ट कुक हो चुके हैं गाइस, और ये देखिए अभी लाइक पूरी तरीके से बनने वाले हैं। जैसे ये बन जाएंगे मैं आपको दिखाती हूँ। पूरी तरीके से अच्छे से कुक हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग इंस्टेंट बिरयानी बना रहे हैं लेफ्ट ओवर चिकन ग्रेवी के तरफ से, तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी तो अच्छे से बना लो, कच्चा पक्का बिल्कुल मत रखना। आपको एक गुड न्यूज़ पता चली गाइस, अनुष्का शर्मा को लड़की हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। बन चुका है और हमने चढ़ा दिए है चिकन की ग्रेवी। तो वो चिकन ग्रेवी है ना, इसके अंदर में हम डाल देंगे अंडा और आलू। पहले एग्स, आलू जो बॉईल करके रखे हुए थे उसको मैंने ऐसे काट दिया, मैंने पील नहीं किया, क्योंकि असली मज़ा तो छिलके के साथ है ना दोस्त, पील करेंगे तो पूरा मज़ा ही निकल जाएगा इसका। आलू भी इसके अंदर जो काट के रखे थे, अब इसको ये मसाले के अंदर में अच्छे से फ्राई करना है। अच्छे से मसाले में कोट होने दीजिए, 5 मिनट तक फुल आंच पे पकाइए। और करना, थोड़ी बहुत ग्रेवी तो होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो आप बनाने जाएंगे बिरयानी और बन जाएगा कि कुछ और। और हम लोगों को ये लेफ्ट ओवर चिकन ग्रेवी से हमको इंस्टेंट बिरयानी बनानी है, इसलिए मैं बोली थोड़ी ग्रेवी होना चाहिए ताकि आलू और ये जो एग है ये कोट हो जाए मसाले में। एग और आलू बहुत अच्छे से कोट हो चुके हैं और इतनी अच्छी खुशबू आ रही गाइस, व्हाट टू टेल यू। अभी भी ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही खा लूँ, लेकिन जो मैं बताई थी कि हम लोग को चिकन ग्रेवी को कैसे इंस्टेंट बिरयानी में कन्वर्ट करना है वो तो ब्लॉग बनाना पड़ेगा ना बाबा, तो इसके लिए अभी मैं बताती हूँ जो वो करना है। ग्रेवी है और आलू है, वो आपको पैन में ही छोड़ देना है, और जो 2 एग्स है और थोड़े से आलू है वो आपको अलग से निकालने हैं। चिकन ग्रेवी को इंस्टेंट बिरयानी बनाने के लिए हमको करना पड़ेगा लेयरिंग। तो पहले तो ये बन रहा है, अब ये जो राइस है इसको मैं इस पर डाल दूँगी, और ये टमाटर को ऐसे गोल गोल काट के रखा है।
तो इस तरीके से देखो अब मैं लेयरिंग शुरू कर रही हूँ। देखो बिस्मिल्लाह बोल के मैंने ये आधे राइस डाल दिए, आधी चिकन ग्रेवी दिख रही है, अभी इसको भी कवर कर दूंगी। हमारा फर्स्ट लेयर हो चुका है, अभी सेकंड लेयर। देखिए गाइस, ये जो हमने एग और वो जो मसाले में कोट किया था पटेटो को, वो सेकंड लेयर के तौर पे ये राइस के ऊपर चले गए। अब वो जो बाकी का पूरा राइस है ये भी आप इसमें शिफ्ट कर दीजिए। ये देखिए, ये सेकेंड लेयर राइस का हो गया है। अब इसके ऊपर टमाटो डालेंगे। टमेटो इस पे जा चुका है गाइस, देखिए इस तरीके से। अभी क्या करें, घी डालें? चलो डालते हैं, घी के बिना तो इंस्टेंट बिरयानी का मज़ा ही नहीं है। ये घी है, प्योर घी। अब ये एक स्पून भर के जाएगा हमारे इंस्टेंट चिकन ग्रेवी से बना हुआ इंस्टेंट बिरयानी पे। तो बोलो बिस्मिल्लाह। ये इस तरीके से मैं डाल रही हूँ इसमें घी। नहीं बोले तो अच्छा खासा जितना आपको चाहिए। तो इस तरीके से आप लेफ्ट ओवर चीज़ों से भी खाना बना सकते हैं अलग तरीके से, क्यों कोई चीज़ को वेस्ट करना। जब घर में मैंने तो काफ़ी सिंपल तरीके से बताया, अभी थोड़े लोग बोल सकते हैं कि ये क्या कोई बिरयानी हुई, लेकिन हम लोगों के हिसाब से है तो है। जस्ट बिकॉज टमेटो और फ्रेंच बीन है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 3-4 मिनट हम लोग इसको दम पे रखें। बन रहा है इस तरीके से। अभी आप अगर घी नहीं हो तो आप बटर भी डाल सकते हो गाइस। अभी गाइस 5 मिनट्स हो चुके हैं, और इस तरह से आप झटपट है ना जो लेफ्ट ओवर चिकन ग्रेवी को कन्वर्ट कर सकते हैं इंस्टेंट बिरयानी में। अभी मैं आपको ये चूल्हा बंद करके सर्व कैसे करते वो दिखाती हूँ। ओके, गाइस ये बिरयानी बन चुकी है, अब मैं इसको सर्व करने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक मिनट। तो अभी मैं इसको सर्व करने वाली हूँ। देखिए नीचे से आप ऐसे उठाइए और ये सीधा प्लेट में जाना चाहिए यूं। अब ये जो है, माय गॉड कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ये उठाइए और ये प्लेट में यूं सर्व कीजिए। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। और ये उठाइए यूं, मतलब अंदर की तरफ से लेना है, और ये सब हो गया। लग रहा है ना इंस्टेंट बिरयानी। तो इसी तरीके से आप लेफ्ट ओवर चिकन की ग्रेवी के साथ में भी आप इंस्टेंट बिरयानी बना सकते हैं। यू आर योर ओन बॉस, इनोवेशन इज द की गाइस। अगर आप इनोवेट नहीं करोगे कुछ भी, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको नया नया दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोग किस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। एक ही चीज़ बोर हो के 50 बार खाने से अच्छा अलग अलग तरीके से हम लोग उसको फिनिश ऑफ कर सकते हैं। ओके, सो आप बताइए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय फॉर नाउ जी। मेरे सब्सक्राइबरों को बाय बोलो। बाय बेटा, सब लोगों को बहुत बहुत प्यार। आओ खाना खाने के लिए हम लोग के साथ। बिस्मिल्लाह करो। और ये देखो ये कैसी अच्छी डिश बन गई ना, नई वाली बहुत अच्छी डिश बन गई। दिखा के बताना मुझे कैसे लगी। जरूर जरूर बताऊंगी। Okay.